हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ जैन और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जो स्केच में सबसे जरूरी चीज़ होती है वह होती है गुड ब्लेंडिंग। उस ब्लेंडिंग को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए या उसको किस तरीके से अच्छा किया जाए, तो इसके लिए मार्केट में इजीली जो मेकअप ब्रशेस मिल जाते हैं वो उन्हीं ब्रशेस का यूज कर रहा हूं। और ये काफ़ी सस्ते आते हैं, अराउंड 100 रुपये की समथिंग इनकी प्राइजेस होगी जो मार्केट में ईजिली मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मेकअप ब्रश का यूज करके किस तरीके से हम स्केच ब्लेंडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पैक को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद यह कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। और इसमें जो ए वाला ब्रश है इसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं है इन स्केचिंग फॉर ब्लेंडिंग, सो इसको हम हटा देते हैं। और दोस्तों, जो आप ए वाला ब्रश देख रहे हैं, इस ब्रश का यूज हम तब अच्छे तरीके से कर सकते हैं जब हमें डिटेलिंग एंड डीप वर्क करना हो, उस टाइम पर इससे बहुत अच्छी शेडिंग की जा सकती है। और इस ब्रश का यूज हम तब कर सकते हैं जब कोई डस्ट होती है, इरेजर करने पर बहुत सारी डस्ट होती है, उसको क्लीन करने पर इस ब्रश का यूज हम कर सकते हैं। और इस ब्रश का यूज करके हम ब्लेंडिंग को काफ़ी स्मूथ एंड सॉफ्ट स्ट्रक्चर जब देना पड़ता है तब हम इस ब्रश का यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कि मेकअप ब्रश एंड नॉर्मल ब्रश के थ्रू हम किस तरीके से अच्छी ब्लेंडिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कुछ शेडिंग कर ले रहे हैं ताकि पता चले कि इन मेकअप ब्रश का यूज करके हम ब्लेंडिंग किस तरीके से अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी मैं कुछ शेडिंग कर रहा हूँ एंड फिर हम देखते हैं कि ब्लेंडिंग किस तरीके से अच्छे से कर सकें। तो दोस्तों, शेडिंग हो चुकी है, हम ब्रश की सहायता से ब्लेंडिंग कर रहे हैं। इस ब्रश से काफ़ी स्मूथ स्ट्रक्चर आ रहा है, इस ब्रश से भी अच्छी ब्लेंडिंग हो रही है जो कि आप देख रहे हैं। एंड नॉर्मल ब्रश का भी हम यूज करके देख लेते हैं, नॉर्मल ब्रश से भी अच्छी ब्लेंडिंग हो रही है, बट टाइम ज़्यादा ले रहा है इसमें। एंड जो आप ए वाला ब्रश देख रहे हैं, इस ब्रश का यूज हम बिल्कुल जब डीप वर्क करना हो और ब्लेंडिंग करना हो तब इस ब्रश का यूज कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छी ब्लेंडिंग हो रही है और बहुत दिनों से मेरा एक स्केच पेंडिंग में डला था जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हीं ब्रश के थ्रू मैंने इस स्केच को कंप्लीट किया है। इन्हीं मेकअप ब्रश के थ्रू पूरी ब्लेंडिंग इस स्केच में हुई है जो कि आप देख रहे हैं। इसमें मैंने ब्लेंडिंग स्टिक का बिल्कुल भी नहीं किया है। और डीप स्केच में हम इस तरीके से इस ब्रश का यूज कर सकते हैं जो कि आप आई वगैरह में देख रहे हैं, आई में जैसे शेडिंग करना हो तो हम इस ब्रश का यूज कर सकते हैं। बाय द वे, आपकी मर्जी, आपको जैसा पसंद हो कर सकते हैं। मेकअप ब्रश से काफ़ी अच्छी ब्लेंडिंग हो रही है स्केच में। एंड इस ब्रश का यूज़ हम जब स्किन टेक्सचर या क्लॉथिंग में जब स्ट्रक्चर देना हो तब इस ब्रश का यूज कर सकते हैं। और जो आप मेरा स्केच देख रहे हैं इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा और उसमें सब कुछ बताऊँगा कि इस स्केच को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा एंड इसको किस तरीके से मैंने ड्रॉ किया है। तो आपको स्केच कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि मेकअप ब्रश का यूज करके हम ब्लेंडिंग को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरी ट्रिक कैसी लगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़।